गाइस यार यहाँ पर हम बरेली पहुँच चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं पहुँचे क्योंकि आउटर में पड़ा है बरेली। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। गाइस देख रहो, इधर पूरा जंगल एरिया है। इस सामने देखो, सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है। गाइस यार फाइनली यार हम यार रुड़की पहुंच गए, और जैसा कि यार हम भाई चेहरा देख सकते हो कितना थक चुके हैं। और एक चीज और, रुड़की आए हैं तो भाई अक्षय पाल अक्कू भाई से नाम मिले, ऐसा हो सकता है। ये देखो अक्कू भाई के भाई लोग भी यहाँ पे सब खड़े हैं भाई। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। यार सबसे पहले यार आप सभी का स्वागत है गोलू लॉक्स चैनल पे। तो गाइस वो दिन आ चुका है जो हम प्ले निकलने वाले हैं। तो यार सुबह सुबह उठ गया था, तो टाइम मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। टाइम इस समय 7:20। तो भाई अभी मैं सो के उठा था, तो मैं सोचा स्टार्ट कर लूँ हल्का सा ब्लॉग। और अपनी बगीरा एकदम रेडी है, तो देख सकते हैं बाहर एकदम खड़ी हुई है और धूप भी निकल दी है। तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे, जैसे अभी 8:30 तक निकल लेंगे। और हम एक चीज़ दिखा दे रहे हैं, हमारा बैग भी रेडी है, बैग रेडी है। और ये भी ले जाऊँगा, बड़ा वाला नहीं ले जा रहा हूँ, इसमें लैपटॉप रखूँगा और बाकी 2-3 सामान और वो रखना है, फिर तुम्हारा भाई निकल लेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम मम्मी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे। और उससे पहले हम नहा धो ले, नहा के फिर हम आपको मिलते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अब हम रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरह तुम्हारा भाई एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका। ये देखते हैं नया चश्मा लिया यार। तो यार और हाँ, मैंने पूरा बैग रेडी हो गया, मेरी राइडिंग जैकेट आ गई देख सकते हैं। और यार इसकी राइडिंग जैकेट, उससे पहले हम जा रहे बगीरा पे थोड़ा हाथ साफ कर ले, मतलब कि कपड़ा मार के उसको साफ कर ले, क्या ही बोल देता हूँ। और बैग लेके चलते हैं, फिर उसको उस पर कैरी करते हैं, फिर एक्साइटेड हूँ। और फिर पहले बैग लगाते हैं, फिर चलते हैं। चलो मैं जा रहा हूँ, जीरो ट्रिप कर लें गाइस। या चेक दिस आउट गाइस, हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप के लिए, मजेदार वाली ट्रिप। जहाँ से पहले पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। चलो यार पेट्रोल डलवाते हैं और मजे करते हैं इस ट्रिप का। और गाइस अब मैं बता दे रहा हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उत्तराखंड। ये राइड मेरी है उत्तराखंड की। और किससे मिलने और किससे मिलने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं भाई, वो हर चीज आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जा रहे, पहले फ्यूल अप करवाएं। यार एक गलती कर दी, मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरे को चार्जर लेना पड़ेगा। मतलब आईफोन का तो है मेरे पास चार्जर, मेन चीज है मेरे पास आईफोन का चार्जर है, मेरे पास वन प्लस का नहीं है। मेरा वन प्लस वाला चार्जर खराब हो गया। लड़कियां देख कैसे रही हैं गाइस, स्माइल दे रही देख देख के। बाय बाय लखनऊ। तो गाइस यहाँ से किलोमीटर दिखा रहा है, बता रहा है कि 11 घंटे लगेंगे और 514 किलोमीटर है। और दिखा रहा है रात के मैं 8:17 पहुंचूंगा उत्तराखंड। कोई ना, देखते हैं जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर करेंगे। देखो एक दो रास्ते दिखाए, एक मेरठ होते हुए तब जाना है उत्तराखंड, देखते हैं कौन सा रूट सही लगेगा। जय माता दी। जब भी चलना चाहिए राइट पे तो भगवान का नाम लेके चलना चाहिए। अरे ये कौन सा वीडियो गेम खोल गया, अब मैं वीडियो गेम खेलूं? ये बच्चा थोड़ी ना हो, वीडियो गेम खेलूंगा। ये अलग मेरा फोन ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसका चार्जर मेरे पास नहीं है और मेरा आईफोन तो डिस्चार्ज होगा नहीं भैया। आईफोन की बैटरी बहुत देर तक चलती है। मम्मी एकदम खुश हैं, मम्मी को मैंने बाय बाय बोल दिया है। पापा भी खुश हैं और मेरी बहन भी खुश है यार। और खासकर सबसे ज्यादा ना मेरी बहन सपोर्ट करती है राइड के मामले में, इसलिए मैं राइड कर रहा हूँ। और सबसे पहले यार बहन अगर बोल देगी राइड करो तो करो लेंगे, फिर मम्मी पापा भी नहीं कुछ बोलते। ये सीन है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है, मतलब 7 मिनट बचा है। और भाई अभी तक ट्रैफिक है, देख रहे हो सीतापुर हाईवे जो ये है इस पे यार थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि आगे बाजार आजार टाइप लगा है, तो इसी वजह से। तो अभी मैंने अपना मैप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक सीतापुर का रास्ता, उसके आगे का तो नहीं पता है। तो सीतापुर से हम लगा लेंगे
उत्तराखंड का रास्ता, और मेरी गाड़ी बहुत हीट हो गई है, मेरी गाड़ी सच्ची में हीट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे अभी अभी मैंने स्टॉप लिया था क्योंकि यार मेरे को आई थी बहुत तेज़ी से वॉशरूम जाना था, और यहाँ पे सामने ढाबा है, दिखाता हूँ आप, ये देखिए यहाँ पे अभी हम रुके हैं, और बाइक मेरी इस हिसाब से है, मेरी बाइक टोटल चल चुकी है, तो उसमें सीतापुर पहुँच जाता हूँ, आपको बताऊँगा कितनी चली है। तो इसमें मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट देते हैं हम लोग को, यहाँ से किलोमीटर भी सीतापुर पहुँच के फिर हम आपको बताएंगे। बरेली सीधे 168। गाइस हम लोग सीतापुर में एंटर कर लिए हैं, सीतापुर के लिए अंदर जाती है जो सिटी है मेन, तो हम लोग को अंदर नहीं जाना, हम लोग को अब बरेली की तरफ जाना है, 168 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और मेरी गाड़ी इस समय चल चुकी है 90 किलोमीटर गाइस, 90। और देखते हैं कि कितना हमारी गाड़ी पेट्रोल पीती है। गाइस यार यहाँ पर हम बरेली पहुँच चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं पहुँचे क्योंकि आउटर में पड़ा है बरेली। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो जो गेट दिख रहा है ना आपको, वो बरेली अंदर जाने के लिए सिटी में। और ये देखिए त्रिशूल, और ये है मुरादाबाद जाएगी शायद रोड, मैंने अभी देखा नहीं है यार, मेरे को अभी तक खाने का कुछ मिला नहीं है यार, रेस्टोरेंट कोई अच्छा सा, तो सोच रहा हूँ आगे रुकते हैं मुरादाबाद में, कहीं अच्छा सा कुछ रेस्टोरेंट मिल जाए जैसे पहले, तो भाई कुछ खाएंगे, भूख बहुत लगी है। मुरादाबाद 32 किलोमीटर है गाइस, मुरादाबाद, बाय बाय। दोनों इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों, हाँ गोलू व्लॉग्स, एक बार कैमरे में बाय बाय कर दो, कैमरे में बाय बाय कर दो, बाय बाय। गाइस 32 किलोमीटर है मुरादाबाद, और सच्ची बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ नहीं तो यार मजा आ रहा है जब भी कोई यार राइड पे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ चाय वाय नाश्ता के लिए, हम तो चाय मतलब ये खा रहे हैं, चाय आ गई तो चाय अभी पी के मेरे बालों की हालत खराब हो गई। इसका नाम है चौराहे का नाम है झुमका चौराहा है ना, झुमका चौराहा भाई देख रहे हो ये चौराहा, तुमको मुरादाबाद और झुमका चौराहे पे रुके भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा नाम सुन रहा हूँ। तो मम्मी पापा दीदी देख लो झुमका चौराहे पे, हम चाय वाय पी के फिर हम निकल जाएंगे उत्तराखंड के लिए, चलो चलो आओ भाई। हेलो हेलो भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? लखनऊ। क्या हाल है भाई? बढ़िया, यहीं रह ये हाँ लोग में आ रहे हैं ना, हाँ यहीं रह यहीं पे रहते हो क्या? पीछे रहता हूँ मैं, देखा तो मैंने, क्या था अभी ज्वाले से छोड़ लाया, दिल्ली आ रहा है ना भाई ये। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? लखनऊ। लखनऊ से? लखनऊ से परसों आए हैं। अच्छा अच्छा, फन मॉल से ना, इवेंट लाइन में, तो हम वहाँ पे फन मॉल में अपना सेटअप लगाने गए थे। अच्छा ठीक ठीक है भाई। हरिद्वार, हरिद्वार 156 किलोमीटर गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं रुक गया था क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, तो अभी मैं चार्ज लगाऊंगा, मैं अभी गया तो बोलता हूँ, तो यहाँ पे चाय मैंने बोल दिया, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, 10 किलोमीटर रह गया बिजनौर, फिर हमें जहाँ पहुँचना है उसका बिजनौर से फिर 70 किलोमीटर और चलना है, फिर हमारा स्टॉप आ जाएगा। तो मैंने भैया से बोल दिया, भैया चाय वाय बना रहे हैं वगैरह, एकदम फुल टॉन मज़े में, 80 किलोमीटर और थोड़ा बहुत स्ट्रगल उठाना है, फिर थोड़ा आराम करेंगे। हाँ ठीक, चलो चाय पीते हैं, चाय पी के फ़ोन को चार्ज लगा के फिर मिलते थोड़ी देर में डायरेक्ट जहाँ पे स्टॉप हुए। गाइस देख रहो इधर पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ से हरिद्वार है 60 किलोमीटर, और अभी तक मुझे रुकना ही 60 किलोमीटर कवर करना है। गाइस इतना इजी नहीं है ट्रेवल करना, सच बता रहा हूँ, वो भी RC 390 पे तो भाई बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखो भाई,
झुक जा, मतलब पूरा झुक के चलाना पड़ता है गाइस। तो गाइस यार फाइनली यार हम यार रुड़की पहुंच गए हैं, और जैसा कि यार भाई चेहरा देख सकते हो कितना थक चुके हैं। और एक चीज और, रुड़की आए हैं तो भाई अक्षय पाल अक्कू भाई से नाम मिला, ऐसा हो सकता है। ये देखो अक्कू भाई के भाई लोग भी यहाँ पे सब खड़े हैं। मेरा नाम मनीष अर्जुन। तो भाई यार सच्ची बता रहे हैं, यहाँ मिले अक्कू भैया बहुत टाइम दे यहाँ पे, सच्ची बता रहे हैं। टाइम देख लो कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है, बस नींद बहुत लगी है। तो यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करके, ब्लॉग सुबह आ जाएगा और भाई के घर जाएंगे कल सुबह, तो वीडियो वहीं से अपलोड कर देंगे। तो अभी के लिए रूम पे चलते हैं, चलो मिलते हैं। तो गाइस यार देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो मेरा। तो गाइस यार अक्कू भाई यहाँ से चले गए हैं, और बाकी जितने उनके फ्रेंड्स हैं हिमांशु भाई और भी लोग, वो सब चले गए हैं। उनको कुछ, उनको कहीं एक पार्टी में जाना था, तो वो लोग अपना एंजॉय करने चले गए पार्टी में। तो हमने सोचा भाई मैं थका थका आया था, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भाई ने रूम दिलवा दे, तो यहीं पे मैं रूम पे रेस्ट कर रहा था। फिर मैं सोचा कि भाई रेस्ट भी तो करना, फिर सुबह वीडियो भी अपलोड मारनी है, तो इसी वजह से। और उस समय मेरे को क्या बोलना था क्या नहीं कुछ सेंस नहीं था, क्योंकि भाई 12 घंटे बाइक चलाया हूँ तब जाके यहाँ पे आ पाया हूँ। तो भाई उस समय 12 घंटे बाइक चला रहा, फिर भाई दिमाग काम नहीं करेगा भाई इस हिसाब से। फ्रेश व्रेश हुआ, फेस वॉश से अपना फेस साफ किया, अब यहाँ पे वीडियो कॉपी हो रहा है, फिर ये वाला वीडियो फिर इसमें डालेंगे। अरे यार डाउनलोड भी करना है, वाईफाई की सख्त जरूरत है यार मेरे को। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं, और भाई अब कल रुड़की में देखते हैं कि कहाँ कहाँ अक्कू भाई के साथ जाएंगे, और रील्स भी बनानी है अक्कू भाई के साथ। तो अभी के लिए भाई सोना ज़रूरी है, कि सुबह फिर नहा दो के फिर जाना भी उनके साथ, पहले वीडियो एडिट करते हैं। चलो बाय बाय फ्रेंड्स एंड मम्मी पापा बहन, गुड नाइट, चलो बाय बाय।